दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी बाइक की सर्विस करते हैं या आपके पास कोई बाइक आ जाती है और आप जब उसके कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करते हैं तो अक्सर उसकी जो स्लो होती है तो वो कम ज़्यादा होती रहती है, कहने का मतलब थोड़ी बहुत वो ओवर रेस रहती है और थोड़ी देर में दोस्तों उसकी जो स्लो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप उसकी एक्सेलेटर भी बदल देते हैं, कार्बोरेटर को भी साफ़ कर देते हैं और हेड के वाल की भी सही से क्लियरेंस कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब भी जो कि तो रहती है। तो ऐसे में दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके चलते दोस्तों क्या प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम कहां से पैदा होती है। तो देखिए दोस्तों, जब आप मान लो कार्बोरेटर की पूरी तरह से सफाई कर देते हैं तो अक्सर जानते मैकेनिक भाई एक गलती ज़रूर करते हैं। तो अब देखिए, जो मेरे पास ये स्लाइड है जिसको हम पिस्टन बोल देते हैं, तो यहाँ पर देखिए अक्सर दोस्तों आपको देखने को मिलता है इसको ना हम ऐसे ही साफ़ कर देते हैं एक ब्रश के द्वारा सर्विस के दौरान। तो यहाँ पर देखिए, जब ये पिस्टन होता है इसके ऊपर ना काली काली परत जम जाती है, तो इसको हमें क्या करना है, इस सेविंग ब्लेड के द्वारा इसको जो है हमें बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये इससे कितनी जो है काली काली परत उतर रही है। तो ये जो काली काली परत होती है दोस्तों, यही इसका रीज़न होता है। अब रीज़न क्या होता है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने जो है इसके पिस्टन को ना अच्छे से साफ़ कर लेना है, और उसके बाद जो हमारे पास ये पॉलिश वाला रेग मार्ग होता है जो खराद वाले पिस्टन बोरिंग के दौरान जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हमें थोड़ा इसके ऊपर ऐसे सफाई से फेर देना है ताकि ये अच्छे से चमक उठे। इसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जब हम पिस्टन को ना कार्बोरेटर में डालते हैं तो जब हम एक्सेलेटर को ना अप डाउन करते हैं और जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो ये पिस्टन ना अटक अटक कर नीचे आता है, कहने का मतलब ये फंस फंस कर नीचे आता है, ठीक है, ये पूरी तरह से एकदम से नीचे नहीं आता। तो ऐसे में होता क्या है, जब दोस्तों ये नीचे नहीं आता तो ये जो आपकी ओवर रेस होती है ना थोड़ी बहुत स्लो ज़्यादा रहती है, तो ये इसी के चलते होती है। अगर ये पिस्टन तुरंत एकदम नीचे आ जाता है तब तो आपकी बाइक की जो है सही तरीके से ट्यूनिंग भी सही है और इसकी स्लो भी सही है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि इसकी जो है तार में प्रॉब्लम है या कार्बोरेटर अब दोस्तों अपना जो है पूरे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तो अब देखिए, हमने जो है इसको ना पूरी तरह से साफ़ कर लिया है और पेट्रोल मारकर हमने देखे इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो पहले में और इसमें बहुत फ़र्क है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको साफ़ करना होता है। तो अब देखिए, जब हम इसके कार्बोरेटर में इसको डालते हैं और एक्सेलेटर को अप डाउन करते हैं तो ये पिस्टन एकदम से ईजिली नीचे अप डाउन हो रहा है, ठीक है, तो अब ये जो है नीचे फंस फंस कर नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका ये रीज़न होता है, जब मान लो हम कार्बोरेटर को ना फिट कर देते हैं और इसकी ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग तो प्रॉपर हो जाती है, लेकिन जब हम एक्सेलेटर को कम करते हैं तो उसकी आपको थोड़ी बहुत ना स्लो ज़्यादा देखने को मिलती है, और तब आप क्या करते हैं उसकी स्लो को कम कर देते हैं, आरपीएम को कम कर देते हैं, तो बाइक वो बंद होने लगती है, तब आपकी समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है। तो दोस्तों ये इसका रीज़न होता है जो मैंने आज आपको बताया। आपने क्या करना है, जब भी आप किसी बाइक की सर्विस करते हैं तो आपने क्या करना है, इस पिस्टन के ऊपर जो काली परत जम जाती है तो उसको ना आपने सेविंग ब्लेड से साफ़ कर देना है और बाद में जो पॉलिश वाला रेग मार्ग होता है उसके ऊपर आपने फेर देना है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो दोस्तों ये इसका रीज़न होता है आपकी बाइक में ओवर रेस होने का। और दोस्तों आप लोग 70% तो हमारे चैनल को देखते हैं, लेकिन 30% ऐसे हैं जो हमारे चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो दोस्तों हमारे वीडियोस देखते हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं। तो दोस्तों शर्म किस बात की करनी है, तो हमें सपोर्ट करना और हमारे चैनल को भी दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों देखिए, अब हमारा चैनल जो है कुछ ग्रोथ कर रहा है और 1 लाख के करीब है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमें दोस्तों 1 लाख तक पहुंचाने की कृपा करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली होगी, तो अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।